पथ लिया है। मैं इसके लिए भगवान का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। और उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के कामों पर विश्वास करते हुए, डबल इंजन की सरकार पर विश्वास करते हुए, कमल के फूल पे वोट डालकर उस मिथक को तोड़ा है कि एक बार भाजपा आती है, एक बार दूसरा दल आता है, एक बार भाजपा आती है फिर दूसरा दल आता है। ये गुड्डा गुड़िया का खेल को समाप्त करते हुए उत्तराखंड की जनता ने विकास को महत्व दिया है, नए भारत के निर्माण को महत्व दिया है और मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड के विकास को पूरा करने के लिए दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। आज सदस्य विधानसभा के रूप में हमने शपथ लिए। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हालांकि अभी मंत्री अभी शपथ नहीं हुए मंत्रिमंडल की, लेकिन शिक्षा विभाग रहा है आपके पास, आगे अगर जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरह से क्या कुछ रहने वाला, क्या काम रह गए थे ऐसे जो आपको? मैं बहुत छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसको सत्य निष्ठा से निभाया जाएगा और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी एक ही कोशिश है, हमारी सरकार की यह कोशिश होगी। हम पे दायित्व हो या ना हो विषय ये नहीं है, विषय यह है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की यह शत प्रतिशत कोशिश होगी कि जब आप अभिभावक अपने बच्चे को एडमिशन को लेकर चिंता करेगा तो उसका पहला विकल्प सरकारी स्कूल होना चाहिए। ऐसा हालात पैदा करना इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी।